कितने आम है? पांच आम है। एक आम निकाल लिए, कितना बचा हमारे पास? कितना बचा? फिर एक आम निकाल लिए, हाँ निकाल के दे दिए इनको, कितना बचा? एक आम इनको दे दिए, लालू बोलो अब कितना बचा? एक आम इनको दे दिए, अब कितना बचा? एक आम इनको दे दिए, अब कितना बचा? एक भी नहीं। पांच था, पांच में से एक एक निकाल, एक निकाले चार हुआ, फिर एक निकाले तीन हुआ, फिर एक निकाले दो हुआ, फिर एक निकाले वो भी निकाल दिया, हमारे पास एक भी आम नहीं बचा। हमारे पास शून्य आम है। कितने आम है? शून्य आम में एक आम मिला दिए कितना हुआ? शून्य आम में दो आम मिला, एक आम और मिला दिए कितना हुआ? दो। और फिर मिला दिए एक और, तीन। फिर मिला एक और, चार। फिर एक और मिला दिए, पांच। यानी शून्य में जितना मिलाएंगे उतने होगा। शून्य में एक मिलाएंगे तो एक, और शून्य में पांच मिलाएंगे तो, शून्य में पांच मिला दिए कितना हुआ? अब इसको लिखेंगे चार। यह शून्य धन पांच बराबर कितना होगा? पांच। शून्य में हम जो भी मिलाएंगे उतना होगा, बढ़ेगा। शून्य में पांच मिलाएंगे तो पांच, और पांच में से शून्य निकालेंगे कितना होगा? पांच में से शून्य भी निकालेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। शून्य माने एक भी आप नहीं, ठीक है? ये हमारा शून्य की अवधारणा हुआ। शून्य को जोड़ने से कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है ना? और शून्य आम निकालेंगे तो भी उतने रहेगा, घटेगा नहीं। इसको अभी हम लोग और दूसरी गतिविधि के माध्यम से अभी सीखेंगे, ठीक है? फिर करेंगे, ठीक।